गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज है संडे और टाइम हो रहा है 10:30। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो मैंने सोचा कि अभी जो है ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और मैंने जो है बाल इसलिए खुला रखा है कि अभी मैं कलर करने जा रही हूँ अपने बालों में, और मैं आपको बताऊँगी मैं कौन सा कलर लगाने जा रही हूँ अभी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो आज मैं ये वाला कलर लगाऊंगी जो कि एनगा का है, और ये ब्राउन कलर है। इसमें मैं आपको बताती हूँ इस पैकेट में क्या क्या मिला है। तो इसमें सबसे पहले ये ट्यूब है जिसमें कलर है, और इसके बाद इसमें दो ग्लव्स मिले हैं, के बाद इसमें डेवलपर मिला है जो कि कलर में मिक्स करके लगाना है, और इसमें दो पाउच कंडीशनर मिला है हेयर वॉश के बाद लगाना है। इसको लगाने से कलर ज़्यादा दिन तक रहेगा और प्रोटेक्ट करेगा हमारे हेयर को। और इसमें एक ब्रश मिला है, लेकिन मैं अपना ब्रश यूज़ करूँगी। तो ये वाला ट्यूब जो है सील पैक है, लेकिन पीछे से होल करने के लिए दिया हुआ है, तो इसको मैं होल करके निकाल ले रही हूँ। इसमें मैंने जितना कलर लिया है उतना ही डेवलपर लेना है। अब मैं इसमें डेवलपर डालूँगी जितना कि कलर लिया है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद ज़्यादा देर तक इसको रखना नहीं है, तुरंत इसको यूज़ कर लेना है। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को डिटेंगल कर लूँगी अच्छे से। डिटेंगल करने के बाद मैंने टेल कॉम लिया है, इससे मैं अपने बाल को दो पार्ट में डिवाइड करूँगी, और उसके बाद कलर लगाऊँगी। अब जिस हाथ से मुझे बाल छूना है बार बार, उसमें मैंने ग्लव्स पहन रखा है। तो अभी कलर लग चुका है, तब तक जब तक ये सूखेगा तब तक मैं फेस पैक लगा लेती हूँ। ये जो कलर है इसको सिर्फ 30 मिनट रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए नहाने के आधे घंटे पहले मैंने लगाया, और ये दोनों जब तक सूखता है तब तक मैं कुछ कपड़े पड़े हुए हैं उसको सही से रख लेती हूँ। इसको सही से अलमीरा में मैंने रख लिया। अभी फेस पैक सूख चुका है और इसको 30 मिनट हो गए, तो मैं नहा के आ गई हूँ। तो इसके बाद मैं टोनिंग कर रही हूँ रोज़ वाटर से। इसके बाद डेली, जैसे मैंने बताया था कि घर पे मैं लैक्टोकैलामाइन ही लगाती हूँ, तो इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से लगा लिया है। इसके बाद मैं बालों में सीरम लगा रही हूँ क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया है। इसके बाद अभी मैं किचन में जा रही हूँ लंच बनाने। तो आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ पालक वाली दाल और चावल। पालक मैंने पहले से ही साफ़ करके धुल के रख लिया है, अब इसको सिर्फ कट करना है।
तो अभी मैं सबसे पहले दाल ले रही हूँ। अब इसको अच्छे से धुलना है, उसके बाद इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ये सारा मिक्स करके फिर रख दूंगी। और मैं टमाटर भी इसी में कट कर ले रही हूँ पहले से ही, और उसके बाद जो मैंने पालक काटा हुआ था वो भी डाल दे रही हूँ। और जब तक उधर दाल में सीटी लगेगी तब तक मैं इधर तड़का काट के तैयार कर ले रही हूँ, और इसके साथ साथ ही मैं किचन भी साफ़ कर ले रही हूँ। अब इधर दाल हो चुकी है मेरी, तो इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल दे रही हूँ क्योंकि अभी मुझे चावल भी बनाना है। तो कुकर में जो है फिर से धुल ले रही हूँ। तो अभी मैंने चावल रख दिया है, जब तक चावल इधर बनेगा मैं इधर दाल में तड़का लगा ले रही हूँ। तो दाल में तड़का लग चुका है, तड़का लगने के बाद हम लोगों ने लंच कर लिया था, और कल गई थी मैं मार्केट तो उसका भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है। तो इस तरीके से मैं मार्केट जाने के लिए रेडी हुई थी, कॉमर्शियल गई थी। टोनिंग करने के बाद मैंने मॉइस्चराइज़र और एलोवेरा जेल दोनों एक साथ में मिक्स करके लगाया है, और क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ तो सनस्क्रीन लगाना तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। तो इस तरीके से मैंने सनस्क्रीन भी लगा लिया है। इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट लगाऊंगी। थोड़ा अपने आई लैशेज को कर्ल कर ले रही हूँ। इसके बाद मैंने मस्कारा लगाया है, मैंने आईलाइनर और काजल बिल्कुल भी नहीं लगाया था। फिर थोड़ा सा अपने आईब्रो को शेप दे दूँगी। बस थोड़ा सा लिप बाम लगा ले रही हूँ तो हम लोग निकल चुके हैं। यह है आर्मी पब्लिक स्कूल जहाँ पर बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने पढ़ाई की है। ये बेंगलोर में है आर्मी पब्लिक स्कूल। तो इधर से हम लोग जा रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखा देती हूँ। और अभी हम लोग मार्केट में पहुँच चुके हैं। मुझे अपने लिए ग्रीन कलर की चूड़ियाँ लेनी थी जो मैंने यहीं से लिया।
ये है इतनी सारी चूड़ियों का कलेक्शन। और इधर मैं चूड़ियाँ जो है ले चुकी थी, तो यहाँ पर बहुत सारा गले का सेट था जो कि बहुत ही सुंदर था। मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड करके दिखा दूँ। मुझे जो है ये वाला सेट काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। फिर हम लोग इधर गए और कुछ कुछ चीज़ें लिए अपने लिए। और एक नया मॉल खुला था, वहाँ भी हम लोग गए। और ये वाला ड्रेस काफ़ी खूबसूरत लग रहा था देखने में। आप जो है कमेंट करके बताना कि आपको ये ड्रेस अच्छा लगा या नहीं। वैसे हम लोग को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद हम लोगों ने पोटैटो ट्विस्टर खाया। ये भैया बना रहा है अभी। ये बनते हुए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना? उसके बाद हम लोग चले गए थे बर्गर खाने। और शाम भी हो गई थी, शाम के शायद 5 या 6 बज रहे थे उस टाइम पे। यहाँ पर वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है। तो अभी जो है रात के 10 बज रहे हैं और मैंने फेस वॉश कर लिया है। सबसे पहले मैंने लिया है विटामिन ई का टैबलेट। इसमें होल करके इसको निकाल लिया इसका लिक्विड, और अपने मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके इसको लगा ले रही हूँ। और इसी टैबलेट का लिक्विड थोड़ा सा मैं लिप्स पे भी लगाऊंगी और थोड़ा सा अपने आईब्रोज़ पे लगाऊंगी और हल्का सा मसाज दूंगी और अपनी आँखों के चारों ओर अच्छे से मसाज दूंगी इस तरीके से। आई होप आप लोगों ने संडे खूब इन्जॉय किया होगा अपनी फैमिली अपने दोस्तों के साथ। हमने भी किया अपनी फैमिली के साथ। तो अभी हम लोगों ने डिनर कर लिया है और मैंने अपना नाइट स्किन केयर रूटीन भी फॉलो कर लिया है। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ रात में लगा के नहीं सोती हूँ। मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र और विटामिन ई लगाया जैसा कि मैंने बताया। अभी रात के 10:30 हो रहे हैं तो मैं चल रही हूँ सोने। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ओम साईं राम।